नमस्कार साथियों, सूचना सहायक भर्ती को लेकर मैं आप सब युवाओं से बात करना चाहता हूँ। साथियों, आपकी जानकारी में है कि सूचना सहायक भर्ती में जो पद वृद्धि का हमने प्रयास किया, हमने संघर्ष किया और उस संघर्ष के बलबूते पर ही 685 पदों की पद वृद्धि हुई थी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने, आपकी जानकारी में होगा कि संशोधित विज्ञप्ति भी जारी उसकी कर दी थी। लेकिन साथियों, जब हमारा प्रयास सभी वर्गों के लिए, सभी युवाओं के लिए है, हम कोशिश करते हैं कि एक भी व्यक्ति के साथ में अन्याय नहीं हो। लेकिन साथियों, जब संशोधित विज्ञप्ति जारी करी गई तो उसमें दो चीज़ें निकल के सामने आई। एक तो OBC वर्ग के साथ में जो उसमें 21% रिजर्वेशन के हिसाब से जो पद मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। एक MBC वर्ग को 5% रिजर्वेशन के हिसाब से जो पद मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। इसको लेकर छात्रों ने लगातार कॉल किए, मैसेज किए कि मनोज भाई इसको दिखवाओ, हमारे साथ में इसमें अन्याय हुआ है। मगर साथियों, मेरा प्रयास यही रहता है कि एक भी युवा के साथ अगर अन्याय होता है तो मुझे चैन की नींद नहीं आती। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे प्रयासों में कहीं कमी रह गई और मुझे दोबारा इस मामले को लेकर प्रयास करने चाहिए। साथियों, उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को भी लगातार फोन गए और वो भी इस चीज़ को देख रहे थे। उन्होंने सूचना सहायक भर्ती की फाइल को फिर से रिव्यू के लिए DOIT वापस भिजवाया था और साथियों, DOIT ने रोस्टर प्रणाली के बारे में बहुत सारी उसमें कमियां उन पे रह गई थी। आज उसी मामले में OBC वर्ग और MBC वर्ग के छात्रों के साथ में DOIT के सेक्रेटरी संजय कारणिक साहब से राजाराम मील के साथ में हमने मुलाकात करी, क्योंकि हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल थे। क्योंकि सबसे पहले मैं OBC की बात करूं साथियों, तो OBC वर्ग में जो प्रमोशन हुए थे उस हिसाब से करीबन 250 सीटें हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन साथियों, इसमें दो चीज़ें हैं। जो प्रमोशन के चलते हम 250 सीटों को देख रहे थे, ये एक पक्ष है इसमें। लेकिन साथियों, एक चीज़ ये समझनी होगी, जो उन्होंने बताया कि जो ये 250 पद थे प्रमोशन के चलते जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से 130 छात्रों को हमने UR में काउंट किया है, जनरल में हमने काउंट किया है। बाकी जो बचे इसमें करीबन 120 के समथिंग, उनको हमने इसमें समायोजित किया है। और जब 120 बचे तब भी आप कहोगे कि ये पद तो 80 मिले हैं, कम क्यों हैं, तो उसमें भी साथियों, जब कैडर रिव्यू हुआ था तो टोटल ही जो विभाग की स्ट्रेंथ है 200 सीटें इन्होंने कम करी थी। तो उसके चलते 200 सीटों का अगर आप 21% निकालोगे तो वहाँ पर भी 40 सीटें कम होती है। तो 120 में से 40 सीटें कम करके देखोगे तो इनको सीधी सट 80 जो सीटें मिल रही है वो दी गई है। आने वाले समय में साथियों, आपको उनका कहना है कि OBC वर्ग में प्रमोशन नहीं मिले हैं तो सीटें खाली नहीं है हमारे पास में, इसलिए नहीं दे पा रहे। लेकिन जब दोबारा कभी भर्ती आएगी तो सबसे ज़्यादा OBC वर्ग को फायदा होगा। हो सकता है वो कर्मचारी कह रहे हैं कि 21% की जगह उन्हें 32% मिल जाए, तो लेकिन अभी वो नहीं दे पा रहे हैं आपको। तो OBC वर्ग के मेरे सभी युवाओं को इस बात को समझना होगा। दूसरी बात आती है MBC वर्ग को लेकर। MBC वर्ग के साथ में इन्होंने उस रोस्टर प्रणाली पे तरीके से काम नहीं किया और इनकी कमियों के चलते उसमें ड्यूटी रह गई थी। अब साथियों, MBC वर्ग में 5% रिजर्वेशन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उनको 30 सीटें बनती है उनको लेकर ये संशोधित कर रहे हैं और जल्दी आरती मैम से इस चीज़ को लेकर उन्होंने परामर्श किया है और संशोधन करके जल्दी ही DOIT विभाग फाइल को इस वीक के लास्ट तक कर्मचारी चयन बोर्ड भिजवा देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि MBC वर्ग के भरे हुए पदों के साथ में संशोधित विज्ञप्ति जारी करता हुआ कर्मचारी चयन बोर्ड इस माह के लास्ट तक सूचना सहायक भर्ती का परिणाम जारी कर देना चाहिए। क्योंकि साथियों, बहुत लंबे समय से यहाँ परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हो, परिणाम का इंतजार कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन विभाग की लापरवाही की वजह से जो चीज़ें थोड़ी डिले हुई है उसको लेकर साथियों, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि जल्दी विभाग अपने लेवल पे कार्य संपूर्ण करके कर्मचारी चयन बोर्ड को फाइल भेजे, जिससे भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो सके। क्योंकि टाइपिंग की डेट भी काफ़ी लंबे समय से घोषित करी हुई है और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, परिणाम को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगातार इस भर्ती पे मैं काम कर रहा हूँ, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी ये भर्ती का कार्य संपूर्ण हो। आप सभी युवा साथी अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहें और अगर इस माह
कि लास्ट तक फिर मैं कर्मचारी चयन बोर्ड जाऊंगा और मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सूचना सहायक भर्ती का परिणाम इस माह के लास्ट तक हर हाल में जारी कराया जाए, तो किसी भी साथी को परेशान होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी सूचना सहायक का परिणाम आएगा, आप अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।